107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। हम सभी की जिंदगी में कुछ खास रिश्ते होते हैं जिनके बिना कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी फीकी है। जैसे चाय बिना चीनी की पीनी पड़ती है और स्वाद उसमें बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह बिना रिश्तों के जिंदगी जीनी पड़ती है लेकिन उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं होता। और रिश्तों में सबसे खास चीज क्या होती है? थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा प्यार, थोड़ी तकरार और बहुत सारा अपनापन। लेकिन कई बार इस प्यार पे तकरार इतनी भारी पड़ती है कि हमारे कई रिश्ते कई बार हमसे दूर हो जाते हैं। आज जानते हैं, वार्डरोब से अपनी एक पसंदीदा ड्रेस निकाली और देखा कि वो थोड़ी सी कहीं से उधर रखी थी। मैंने सोचा इतनी खास और इतनी पसंदीदा ड्रेस है, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? अक्सर ऐसे ही तो होता है, बड़ी मशक्कत से, बड़े ध्यान से हम मार्केट जाके अपने लिए अपनी कोई पसंदीदा ड्रेस लेकर आते हैं और गलती से कहीं से वो उधड़ गई, कुछ डिफेक्ट उसमें आ गया। तो ऐसा होता नहीं मोस्टली कि हम उसे यूं ही रिजेक्ट कर दें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते हैं, उसे रफू करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि उसे दोबारा से हम यूज़ कर पाएं, उसे पहन पाएं। तो बस यही बात मेरे दिल में एक ख्याल लेकर आई कि जिंदगी में हमारे अपनों के साथ कई बार बहुत सारी चीज़ों में हमारी नोकझोंक हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें सामने वाले की नहीं पसंद आती या कई बार हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती, तो हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ की नहीं, उसने मेरी सुनी नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी वजह से शायद वो रिश्ता हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। दिल के किसी कोने में एक मलाल ज़रूर रहता है लेकिन क्या कर सकते हैं पछताने के अलावा। तो क्यों ना रिश्तों को भी रफू किया जाए। हो सकता है कभी किसी रिश्ते में थोड़ी नाराजगी हो सकती है और थोड़ी नोकझोंक भी, लेकिन ये चीज़ें तो पल भर में आती हैं और पल भर के लिए चली जाती हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमारे लिए उन सभी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट, उन सभी चीज़ों से ज़रूरी वो रिश्ता है, तो हम उसे अपने प्यार से रफू करते हैं, है ना? ना कि उसे खुद से दूर जाने देते हैं। क्या आपके साथ भी हुआ है ऐसा? हुआ है तो रिश्तों को रफू करके देखिए, क्योंकि लड़ाई तो कई बार हो सकती है लेकिन रिश्ते जिंदगी में बार बार नहीं मिलते।